फेंकड़ा है वो कब पेड़ देखा तूने चलता ना बाजार में नया माल है। रियलिटी शो बिग बॉस में इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने 6 नए सदस्यों को घर में भेजा है, जिसमें तहसीन पूनावाला और इंटरनेट सेंसेशन हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विनोद पाठक भी शामिल है। भाऊ को घर में देखकर हर किसी को शो में एंटरटेनमेंट की उम्मीद है। घर में पहुंचते साथ ही भाऊ तहसीन पूनावाला से उलझ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना फेमस डायलॉग पहली फुर्सत में निकाल भी दिया है। बीते दिन सभी नए घर वालों की एंट्री के बाद बिग बॉस ने एक प्रक्रिया की, जिसमें सभी घर वालों को ऐसे सदस्य का नाम लेना था जिसे वो घर में देखकर खुश नहीं है। ये घर के पहले कैप्टन की चयन प्रक्रिया था, जिसमें आरती सिंह जीत गई। प्रक्रिया पूरी होते ही तहसीन ने भाऊ को उनकी भाषा में जुड़ा कमेंट करते हुए कहा कि थोड़ा ध्यान से, जिस पर भाऊ भी भड़क उठे। भाऊ ने कहा कि मेरी यही लैंग्वेज है। उन्होंने कहा, जमता है तो रहो, नहीं तो पहली फुर्सत में निकल जाओ। मैं ऐसा ही हूँ, मैं वो, ओह माय गॉड, ऐसे नहीं कर सकता। इस पर तहसीन ने कहा, टेरिफिक है, लेकिन जहाँ से ये भाईगिरी का सर्टिफिकेट मिलता है वो फैक्ट्री मेरी ही है। इस पर भाऊ ने जवाब दिया, भाईगिरी की बात ही कौन किया इधर, जो लैंग्वेज है वो है। आपको बता दे कि हिंदुस्तानी भाऊ अपने डायलॉग पहली फुर्सत से निकलकर इंटरनेट में सेंसेशन बन गए हैं। पहले दिन ही उनका ये डायलॉग सुनकर दर्शकों को खूब एंटरटेनमेंट मिला होगा। इस मामले में सिद्धार्थ शुक्ला ने भी भाऊ का सपोर्ट करते हुए कहा कि सब सेम हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसके अलावा भाऊ ने घर में पहुंचते ही कई घर वालों को उनके नए नाम भी बताए हैं। अब देखना ये होगा कि इंटरनेट सेंसेशन भाऊ बाकी सदस्यों से इतना अलग होने के बाद घर में कैसे अपना कनेक्शन बनाकर गेम में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।